से जानो दिल खींच कर हाँ मगर रूह को ताजगी दे गया। माशाल्लाह अभी आपके सामने मौलवी मोहम्मद अय्यूब साहब बड़े ही अच्छे अंदाज में बरगाह रिसालत में नजराना की इद्दत पेश कर रहे थे। आइए एक बार फिर आशिकाना और मुहिब्बाना वादी बदहा और कोए मदीना की सैर करें। तो आइए बड़ी तेजी के साथ हम सबर करते हैं और पहुंचते हैं सरजमीन धौरहरा। वहां तलाश करते हैं तो हमें एक शायर मिलता है जिसको दुनिया शादाब जिगर के नाम से जानती है। अब मैं शादाब जिगर को कहते हुए जहमत देना चाहता हूँ कि जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मैसर हो, जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मैसर हो, वो कागज और कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है। जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मैसर हो, वो कागज और कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं। कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है, और नबी की शान के जैसी किसी की शान थोड़ी है, नबी की शान के जैसी किसी की शान थोड़ी है। मियां नाते नबी पढ़ना कोई आसान थोड़ी है, और नबी के नाम लेवा है नबी पर जान दे देंगे, नबी के नाम लेवा है नबी पर जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। आपके सामने शादाब जिगर धौरहरा। रौनक स्टेज अलमाई कराम फजे कराम सामने बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। व अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हाजरीन आपकी निगाह है नमूने इस्लाम अली जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम मासी साहब दामत बरकातुहु अलिया के ऊपर टिकी है मुझे मालूम। इससे कबल आप 5 से 8-10 मिनट तक मुझे बर्दाश्त कर ले क्योंकि मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने इस कमेटी का और बड़ी खूबसूरत निजामत फरमाने वाली जनाब हजरत मौलाना इसराफील साहब दामत बरकातहुम अलिया और सरपरस्त जलसा वालिद मोहतरम अली जनाब हजरत मौलाना डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब दामत बरकातहुम अलिया तशरीफ फरमा और इसी तरीके से सदारत फरमा रहे हैं जलसे की हजरत मौलाना मुहिउद्दीन साहब दामत बरकातहुम अलिया। मैं चाहता हूँ कि बिना किसी तमहीद और ताखीर के नाते पाक का एक मतला चंद शेर से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ, शेर हाजिर करता हूँ बतौर कि दिल की राहत रूह की ठंडक जिक्र शशे अकरार में है जिक्र शशे अबरार में है कि दिल की राहत रूह की ठंडक जिक्र शशे अबरार में है जिक्र शशे अबरार में है लुत्फ का खा लुत्फ का खा हो की तो गजल में जो नाते सरकार वाह माशाल्लाह बहुत खूब शादाब जो नाते सरकार और आपकी मोहब्बतों का तालिब तालिब ये भी बंद हाजिर करता हूँ मुलाजा कर ले कि लुत्फ का खा और बैठे सरकार तो आलम लाहर उठने पर जब से लाहर उठने पर जब से बैठे सरकार तो आलम लाहर उठने पर जब से लाहर
उठने पर जब से सबसे हलीमा पी की सवारी बिजली की रफ्तार बहुत खूब माशाल्लाह बिजली की रफ्तार मेरे वालिद मोहतरम वाली जनाब हजरत मौलाना डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब ने तराशा है, मैं उस मनकबत का मतला हाजिर करता हूँ और कि वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते हैं बीमार लगने लगते हैं। तो कम से कम आप जिंदा दिली का भी सबूत दें। सुभान अल्लाह कहना कोई गुनाह का काम नहीं है। और यहाँ कोई लॉकडाउन नहीं है, जो मोदी जी सुभान अल्लाह कहने पर भी लॉकडाउन लगा देगा, आप कसर से कह सकते हैं, ये भी एक इबादत है। शेर पहुंचाता हूँ, बुला जा कर ले पूरी तवज्जो बतौर खास देख ले कि उम्र ने कर जो होगा देखा जाएगा। अब आगे से लेकर पीछे तक एक एक शख्स के दांत जाऊंगा। उम्र ने कर दिया ऐलान, जो होगा देखा जाएगा। उम्र ने कर दिया ऐलान, जो होगा जितने खूबसूरत खूबसूरत लेकिन ये बड़ी बड़ी बात है। माजिद भाई का माइक सिर्फ जलसे नातिया मुशायरा और यही तीन ही प्रोग्राम हो रहा है। माइक लगता है डीजे के लिए इनके वहाँ अलाउ है। अल्लाह की एक ये साथ रहमत भी है कि इनका माइक भी खूबसूरत बोलता है। खैर खैर मतला हाजिर करता हूँ, बोला जा कर ले। नबी पर हो जाओ कुर्बान से बंदा जंगल के घर जाके बोले दुश्मन सलाम कर दिया देखा जाएगा। नबी हो जाओ कुर्बान इसी से बनता रहे ईमान।
के भी पर हो जाओ कुर्बान इससे बनता है ईमान नबी पर हो जाओ कुर्बान इससे मतलब जिसके सदके में है ये मकीनो मका जिसकी अजमत का है अरश पर भी निशान जिसकी अजमत का है अरश पर भी निशान जिसके नक्शे कदम से बन बन कहे कशा जिसके नक्शे कदम से बन बन कहे कशा वो नबी सारे नबियों से प्यारा वो नबी सारे नबियों से प्यारा और एक खुदा का हमें जो पता दे गया बागे जन्नत का जो रास्ता दे गया बागे जन्नत का जो रास्ता दे गया दुश्मनों को भी अपने दो वादे गया दुश्मनों को भी अपने दो वादे गया हमको जीने की हर एक अदा दे गया हमको जीने हर एक अदा दे गया कि कोई उस जैसा नहीं है जो शफीए मुनबी है हश्र में आसियों का सहारा वो नबी सारे नबियों से प्यारा बहुत हो बहुत हो बहुत हो शेर को छोड़ते हुए मैं सिर्फ चार मिसरे अपनी माँ बहनों के हवाले से नज़र करता हूँ फिर उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ माँ बहनों का क्या वकार हमारे इस्लाम ने अपनी माँ बहनों पर क्या इज्जत बख्शी है चार मिसरे हाजिर करता हूँ फिर उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ बतौर खास मुलाजा कर कि ऐ माँ मेरी तकदीर में ये काम न होता बताना चाहता हूँ और हाजिर करता हूँ मुलाजा कर ले कि ऐ माँ मेरी तकदीर में ये काम न होता खिदमत तेरी करता ये तेरे पांव दबाता तकदीर में ये काम न होता खिदमत तेरी करता है तेरे पांव दबाता माशाल्लाह क्या कहने बहुत खूब माशाल्लाह।